एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रीति प्रणव। और मैं हूँ प्रीति। आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ समर रिलेटेड वीडियो जो कि अमेजोन हॉल है। सो देखो, फैशन हॉल्स तो हमेशा शेयर करती हूँ, लाइक वन पीसेस, टॉप्स जो कि समर्स के लिए अच्छे होंगे। एंड इवन एक और वीडियो आने वाला है इसी मंथ फैशन हॉल, बट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साड़ीज़ की, बिकॉज साड़ीज़ भी फैशन में ही काउंट होती है। एंड समर्स में किस तरीके की साड़ियाँ हमें खरीदनी चाहिए और मैंने कौन सी साड़ियाँ अमेजोन से मंगवाई हैं जो कि समर अप्रोप्रिएट है, जो कि काफ़ी लाइट है, काफ़ी ब्रीजी है, उनको पहनने के बाद में आपको गर्मी नहीं लगेगी, बहुत ही कम्फर्टेबल होगी। ऐसी साड़ियाँ जो मैंने अमेजोन से मंगवाई हैं वो इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। 14th ऑफ अप्रैल से 17th ऑफ अप्रैल तक के अमेजोन पर चल रही है ब्लॉकबस्टर वैल्यू डे सेल, जिसमें कि आपको 50-80% ऑफ मिल जाएगा बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स पे, जितने भी फैशनेबल फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उन पे। तो मैं ये अच्छी अच्छी साड़ियाँ भी आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ, तो आपको जो पसंद आएगी आप ले लेना अच्छे डिस्काउंट में। एंड सारी ही प्रोडक्ट्स की जो बाइंग लिंक है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए हॉल की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना एक बहुत ही अच्छी जॉर्जेट की साड़ी दिखाऊंगी, जो कि काफ़ी समरी है लुक में भी एंड काफ़ी प्रिटी लगती है, बहुत ही अच्छी है। जॉर्जेट वैसे भी गर्मियों के लिए अच्छी होती है, तो ये अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी है, जो कि पिंक कलर में है एंड फ्लोरल है। और ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस साड़ी के साथ में ना आपको बेंगलुरु सिल्क का पिंक कलर का ब्लाउज पीस मिलेगा, बट मैं आपको बोलूँगी इसको आप वाइट ब्लाउज के साथ में अगर पहनेंगे ना काफ़ी ज़्यादा सुंदर, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लगेंगे। एंड इस साड़ी में ना थ्रू आउट साड़ी इस तरीके का पर्ल का बॉर्डर है, ये अगर आप देखेंगे तो ऐसा पर्ल का बॉर्डर आपको पूरी साड़ी में मिल जाएगा। तो काफ़ी सुंदर लगती है ये साड़ी पहनने में, बहुत ही लाइट वेटेड है। एंड अगर आप न्यूली मैरिड हो, अगर आप गर्ल हो या फिर आपकी एज जो भी है, ये साड़ी ना हर किसी पर अच्छी लगेगी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी है। एंड इसको वाइट ब्लाउज के साथ आप वेयर करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। देन नेक्स्ट साड़ी मैं आपको जो सजेस्ट कर रही हूँ वो है खादी कॉटन की ये वाली साड़ी, जो कि है नियॉन ग्रीन कलर की साड़ी। ये देखिए, ये साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है एंड इसका जो मटेरियल है ना वो समर अप्रोप्रिएट है। अगेन, अगर जैसे मैंने आपको बोला खादी कॉटन का ये मटेरियल है, तो थ्रू आउट साड़ी में ना छोटा छोटा जो खादी का जो मटेरियल होता है ना, जो छोटे छोटे से होल्स होते हैं वैसा है। तो काफ़ी लाइट है साड़ी एंड काफ़ी ज़्यादा ब्रीदी है, बहुत अच्छे से हवा आएगी आपको इसके अंदर, बिल्कुल भी ऐसा गर्मी गर्मी सा नहीं लगेगा। प्लस कॉटन है, तो कॉटन तो अच्छा होता ही है समर्स के लिए। और इस साड़ी में ना आपको पल्लू में ना इस तरीके का टैसल भी मिल जाएगा। तो मुझे तो पर्सनली ये साड़ी बहुत अच्छी लगती है। रीज़न है इसका कलर काफ़ी यूनिक कलर है एंड प्लस इसका जो मटेरियल है वो भी अगेन बहुत ही यूनिक है। एंड इसके साथ में आपको ब्लाउज़ मिलेगा इकत प्रिंट का। ब्लाउज़ का मटेरियल टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना अच्छा नहीं है, बट साड़ी काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इसको मैं प्रेफर करती हूँ ब्लैक ब्लाउज़ के साथ में वेयर करना। एंड आप चाहे तो इसको पिंक ब्लाउज़ के साथ में, जो रानी पिंक होता है ना, उसके साथ में इसका कंट्रास्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा, ट्राई कर सकते हैं। सो ये है नेक्स्ट साड़ी। नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, देखो समर्स है, समर्स में बहुत वेडिंग्स होती हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और जो हैवी साड़ियाँ पहनने का मन नहीं करता, तो ऐसे केस में ना आप ये वाली शिफॉन की साड़ी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल, मुझे वन ऑफ माई बेस्ट परचेज है ये जो साड़ी है ये अमेजोन से। प्योर अच्छा वाला जो शिफॉन होता है ना, काफ़ी लाइट वेटेड वैसा है। एंड इसमें अगर आप देखेंगे तो जरी के छोटे छोटे बूटे बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, जैसे गोल्डन, पिंक, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर के आपको इसमें बूटे दिखेंगे। एंड इसका बॉर्डर जो है वो भी जरी का बॉर्डर है, ये देखिए जरी का बॉर्डर है। एंड इस साड़ी को मैंने अभी तक के रेडी नहीं कराया है, बट बहुत जल्दी इसको मैं रेडी करवा लूँगी। सो शादियाँ, फंक्शंस या कुछ भी ऐसा है ना जहाँ आपको साड़ी पहनना हो, तो ये थोड़ी सी ना हैवी वाला लुक देगा। मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, मैंने इसमें बहुत अच्छा एक मेकअप किया था, वेडिंग अप्रोप्रिएट ही था वो मेकअप। तो ये साड़ी पूजा पाठ या फिर शादी के फंक्शंस के लिए आप ज़रूर ले सकते हैं, बिकॉज इसका भी मटेरियल बहुत लाइट है, बहुत ही ब्रीदी, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पहनने में इन समर्स में। नेक्स्ट जो साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा रिच लुक वाली साड़ी है ये। और ये साड़ी मुझे, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत लाइट है, थोड़ा सा इसमें वेट है, बिकॉज ये कॉटन की साड़ी है। ये है चिकनकारी वाली साड़ी। सो मैंने इसमें ना ये कलर मंगवाया है, कुछ ग्रे ब्लू टाइप का कलर है। इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है एक्चुअली अमेजोन पर मुझे, लेकिन ये कलर बहुत अच्छा लगा, काफ़ी रिच टाइप का लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये साड़ी मैंने अभी तक ओपन भी नहीं की है, ये मुझे रिसीव हुई है, तो बिल्कुल जैसी आई थी वैसी ही है। हम इसमें पहले ब्लाउज पीस देख लेते हैं। तो इसमें आपको कुछ ऐसा ब्लाउज पीस मिलेगा, ये देखिए,
ये प्रिंट का आपको इसमें ब्लाउज पीस मिलेगा। अच्छे से दिखाती हूँ, ये देखिए इस प्रिंट का आपको इस पर ब्लाउज पीस मिलेगा। जो साड़ी है ये है थ्रू आउट ऐसी, तो मैं ब्लाउज पीस तो इसका रेडी नहीं कर पाऊँगी, मैं इसको वाइट ब्लाउज के साथ ही वेयर करूँगी इस साड़ी को। ये है ब्लाउज पीस, तो काफ़ी बड़ा है, मतलब बहुत बड़ा ब्लाउज पीस है। सो इसका मैं ब्लाउज पीस का टिमटिम के लिए कुछ बनवा लूँगी, लाइक टॉप वगैरह। बट साड़ी को मैं वेयर करूँगी वाइट ब्लाउज के साथ, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। सो नेक्स्ट मैं ये भी आपको सजेस्ट करना चाहूँगी समर्स के लिए, तो चिकनकारी साड़ियाँ जो कॉटन में होती हैं वो समर्स में पहनने में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं इन समर्स, एंड इवन इसको आप ना पार्टीज़ के लिए भी अगर अच्छे से रेडी होंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी के साथ में एक लुक आपके साथ में शेयर करूँगी। सो बहुत सुंदर लगेंगे, आप पार्टीज़ वगैरह में भी इसको वेयर कर सकते हैं अगर आप अच्छे से कैरी करें तो। तो जल्दी शेयर करूँगी आपके साथ में। सो ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। सो ये है नेक्स्ट साड़ी। देन ये जो लहरिया साड़ी है ये आप लोगों को बहुत अच्छी लगी थी, ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि समर्स के लिए बेस्ट है, बिकॉज इसका भी मटेरियल जो है वो है शिफॉन, एंड थ्रू आउट अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसे इस तरीके की गोटा पट्टी का काम है, और ये साड़ी पूरी कलरफुल सी लहरिया है, किसी भी पूजा पाठ शादी कहीं में भी पहन सकते हैं आप इसे समर्स में अगर आपको अटेंड करनी है तो। और इसको इसके साथ में ना पिंक कलर का ब्लाउज पीस मिला था बेंगलोरी सिल्क का, बट अगेन मैं सजेस्ट करूँगी वाइट के साथ ज़्यादा अच्छा लगा था। आपको वाइट ब्लाउज नहीं पहनना है तो आप इसमें इतने सारे कलर्स है, कोई सा भी ब्लाउज पहन सकते हैं। सो ये साड़ी भी बहुत सुंदर, बहुत ही लाइट वेटेड, एंड इसकी बहुत डिमांड आई थी जब मैंने एक बार इसके साथ में लुक शेयर किया था तो। सो ये है नेक्स्ट साड़ी। अभी लास्ट साड़ी जो मैं आपको दे रही हूँ ना, दिखा रही हूँ, वो मैंने लास्ट मतलब कुछ टाइम पहले आपके साथ में शेयर की थी। इस साड़ी का ब्लाउज के लिए मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि क्या ये रेडीमेड है, तो नहीं, ये मैंने स्टिच करवाया है। ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके के स्लीव्स का ये ब्लाउज स्टिच करवाया है, एंड बैक ओपन है ये ब्लाउज, बहुत ही सुंदर येलो कलर का। ये मल्टीपर्पज़ है बिकॉज इसमें कोई दूसरा लेस या कोई दूसरा कलर नहीं है, तो मुझे अगर किसी भी साड़ी में येलो ब्लाउज पहनना होना तो मैं इसको पहन सकती हूँ। एंड जो साड़ी है वो तो मतलब परफेक्ट समर वाली जो साड़ी होती है ना, जिसको देख करके वो समर सी फीलिंग आती है, ये वो साड़ी है। इसका मटीरियल अगर आप देखेंगे तो क्रश्ड वाला जो मटीरियल आता है ना वो है, एंड साड़ी थ्रू आउट काफ़ी कलरफुल और बहुत ही ज़्यादा समरी है। ये देखिए कलर्स के बाहर है इस साड़ी में, सारे जो लाइट कलर्स होते हैं ना जो समर्स में अच्छे लगते हैं वो सारे कलर्स इस साड़ी में यूज़ हुए हैं, ये देखिए। एंड मुझे बहुत पसंद आई ये जो पर्टिकुलर साड़ी है ना ये, और इसको मैंने भी रिसेंटली पहना भी था, और काफ़ी सुंदर साड़ी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल भी है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, और मतलब इस तरीके की एक आध साड़ी तो आपके पास में होनी चाहिए, हर तरीके की होती है इस तरीके की भी होनी चाहिए। एंड थ्रू आउट वीडियो आपने सुना होगा मैंने वाइट ब्लाउज बहुत ज़्यादा किया, मैंने एक बहुत 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 सुंदर वाइट ब्लाउज भी मंगवाया, वो वाइट ब्लाउज भी मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ में, काफ़ी ज़्यादा सुंदर, कल ही रिसीव हुआ है मुझे। और मैं एक्चुअली पता वेट कर रही थी कि ये ब्लाउज़ मुझे कब रिसीव होगा तो मैं ये वीडियो शूट करूँ। ये देखिए ये मैंने ना स्लीवलेस ब्लाउज़ मंगवाया है, ये देखिए वाइट कलर का, जिसमें नेक फ्रंट में भी वी है, बैक में भी वी है, एंड नेक में आपको इस तरीके की ये गोल गोल वाली जो लेस होती है ना ये लगी हुई है, बैक से भी काफ़ी अच्छा खासा डीप है ये ब्लाउज़, फ्रंट से भी अच्छा खासा डीप है। ब्लाउज़ में आपको कप्स लगे हुए मिलेंगे, प्लस अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए इसमें भी चिकनकारी है, छोटे छोटे सीक्वन, अच्छी क्वालिटी के सीक्वन लगे हुए हैं, ऐसे वो चुभने वाले नहीं है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सीक्वन लगे हुए हैं। एंड इसमें लाइनिंग अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इसमें लाइनिंग भी है, एंड अच्छा खासा मार्जिन भी दिया हुआ है अगर आपको साइज़ का कोई इशू आता है तो। और ये इसका ब्रांड है। सो अगर थ्रू आउट क्वालिटी की बात करें इस ब्लाउज़ की, तो आई थिंक मैं 12 आउट ऑफ 10 दे दूँगी, बहुत ही अच्छा है। और मुझे पर्सनली उम्मीद नहीं थी कि इतना सुंदर आएगा, वैसे एक्सपेंसिव भी है ये ब्लाउज़, मुझे आई थिंक 900 के अप्रॉक्स पड़ा, तो थोड़ा एक्सपेंसिव मुझे भी लगा था, क्योंकि अगर मैं स्टिच करवाती तो सस्ते में हो जाता कपड़ा वगैरह सब मिला के। लेकिन इसको रिसीव करने के बाद लगा ना यार ये डिज़र्व करता है इतना पे करना, बिकॉज इसकी जो ये सब डिटेलिंग है, कपड़ा है, स्टिचिंग है, लाइनिंग है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बनाई गई हैं, एंड प्योर कॉटन है, तो समर्स के लिए बेस्ट है, वो स्वेटिंग वगैरह के लिए जो इशू होते हैं ना उनके लिए, मतलब जिसको प्योर कॉटन एकदम बोलते हैं ना ये वही वाला प्योर कॉटन है।
और मेरे अकॉर्डिंग आपको ये लेना चाहिए अगर आपको वाइट ब्लाउज की ज़रूरत है। थोड़ा एक्सपेंसिव है बट हाँ, आपके ब्लाउज कलेक्शन में एक अच्छा ब्लाउज ऐड हो जाएगा। मेरे पास वाइट ब्लाउज नहीं था सो मुझे स्लीवलेस चाहिए था। स्लीव्स वाला तो मैं सिलवा लूँगी बट स्लीवलेस के लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सो ये था मेरा छोटा सा हॉल अमेज़ॉन का। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, और क्या चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी वो भी मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।